Hello friends, I am Ravikant. Welcome you at Gyan Education. आज हम करने वाले हैं यूनिट 30. अभी तक हम लोग यूनिट 29 तक कर चुके हैं. बेसिकली दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ मॉड्यूल बी. इसके बाद हमारा मॉड्यूल बी भी खत्म हो जाएगा और इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है द टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. लेट्स वी सी इन डिटेल्स. तो बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव फाइनेंसिंग, मतलब कि सभी तक बैंक की फैसिलिटी को पहुंचाना, बैंकिंग का विस्तार हर एक तबका तक पहुंचाना और समाज के हर एक वर्ग तक पहुंच जाए. लाइक सी हियर द डेफिनेशन. डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप. डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप मतलब ऐसे लोग जिनको मतलब एडवांटेज है ही नहीं बेचारे को, मतलब कि ये तो बहुत दूर रहते हैं, ये बैंकिंग एक्सेस करने में असमर्थ हैं, या उनकी इनकम इतनी कम है कि अपना सेविंग अकाउंट भी खुलाने में असमर्थ है. तो उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का किया जा रहा है प्रोग्राम. फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेसिकली जो है इसमें एक्सेस होगा एक्सेस ऑफ पेमेंट, रिमिटेंस फैसिलिटीज, सेविंग लोन्स, इंश्योरेंस सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट. सबसे मेन बात है अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब ऐसा कॉस्ट जिस पर जो है लो इनकम सेक्शन या फिर जो जिसके पास अभी तक कभी नहीं खुलवाया है, अकाउंट नहीं खुलवाया है, इंश्योरेंस नहीं करवाया है, करवा सकता है. ओके तो फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें सेविंग अकाउंट का तो जनधन है. ओके जनधन अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट, ये सारे एग्जांपल्स हैं. तो क्या थे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के पार्ट थे. ओके अब बात करते हैं कि ये जो बीसीएम मॉडल है, बैंकिंग बिजनेसेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल. अगर बात करें बीसीएम का तो जो इसमें क्या करता है एनजीओ, एमएफआई या फिर सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल. ओके तो अगर बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अगर बात करें ये एनबीएफसी, तो ये जो है या पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या करते हैं एज ए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं. तो जो बैंक इसमें क्या करती है कि बैंक इंश्योर करती है कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो वो वेल एस्टैब्लिश्ड हो, मतलब कि अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड हो, और जो है जो बैंक ने रिप्यूटेशन बना रखा है उसको, उसी रिप्यूटेशन को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी मेंटेन कर रहा है, यानी कि बैंक का नाम ही खराब कर दिया. और जो है लोगों का, मतलब कि लोकल लोगों का कॉन्फिडेंस भी जिसे प्राप्त हो. ओके सो एंजॉइंग कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पीपल, और जो लोकल पीपल है उसके कॉन्फिडेंस भी उसको होना चाहिए, तभी तो लोग पैसा जमा कराएगा या फिर बैंकिंग सेवाएं ले पाएगा. अब बात करते हैं बैंक्स जो है इसमें कह सकते हैं कि आप जो है पब्लिसिटी करती है बाय देम एंड मेजर्स. पहले तो बैंक जो क्या करती है अपनी, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, पब्लिसिटी करती है कि हमने इस एरिया में खोल दिया है बैंक स्टूडेंट, और साथ साथ क्या करती है ऑल्सो टेक मेजर, मतलब कि उसका चेकआउट मेजर, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि वो जो है कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट कुछ गलत काम कर रही हो, इंगेज इन सम रॉन्ग वर्ड्स और मिस रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इस पे भी बैंक का काम है ध्यान रखना. इससे क्या होगा कि बैंक का नाम खराब ना हो किसी भी हालत. ओके आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू बीसी, मतलब कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट कैसे करेंगे ऑपरेशंस का. द कस्टमर्स कैन ऑपरेट दियर अकाउंट थ्रू अ बीसी
outlet that only needs a mobile phone. अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो अपना अकाउंट अगर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू अगर अपना ऑपरेट करे तो उसके लिए क्या करना है, बस उसके बस एक मोबाइल फोन की जरूरत है, बस एक मोबाइल फोन की जरूरत है और फाइनर प्रिंटर स्कैनर, अ फाइनर प्रिंटर स्कैनर एंड अ स्मॉल प्रिंटर टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द कस्टमर. ओके, बस बैंकिंग रिस्पॉन्ड पर इतना चीज होना चाहिए कि ओके ए स्मॉल प्रिंटर और ताकि जो है बेसिक बैंक फैसिलिटी मुहैया करा सके कस्टमर को. अब बात करें कुछ साइलेंट फीचर्स की, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक सेविंग अकाउंट, सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा, नो ज्वाइंट अकाउंट ध्यान रखना है. नो मिनिमम बैलेंस, मतलब कि जैसे आपने बताया कि जनधन अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट आपने सुना ही होगा, तो दैट आर द एग्जांपल्स. तो जब इसके एग्जांपल्स, नो मिनिमम बैलेंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि जरूर मेंटेन करना ही है. नो सेविंग, नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा. और नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और जो है केवाईसी नॉर्म्स में भी काफ़ी जो छूट दिया गया था, जैसे लाइफ ध्यान होगा जनधन का, बीएसबीडी अकाउंट का. ओके, तो सारा जो है यहाँ पे चीज़ें आसान की जा रही है ताकि जो है ऐसा ना कि सब बेचारे पास आईडी प्रूफ ना हो और सही से नहीं हो तो उसका अकाउंट ना खुले. तो ट्राइंग टू मेक इजियर एंड इजियर फॉर ऑल द पीपल सो फाइनेंशियल इंक्लूजन हर किसी तक पहुँच सके. अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की. अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोसेस है कह सकते हो कि जिसके द्वारा हम लोगों में नॉलेज इंप्रूव करते हैं, लोगों का हम ज्ञान बढ़ाते हैं, कैसे उनको हम बैंकिंग की नॉलेज देकर, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विस के बारे में बताकर. इसके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का विस्तृत दो ट्विन पिलर्स है, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता. लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी स्टिमुलेट्स डिमांड साइड एंड फाइनेंस इंक्लूजन एक्ट्स फ्रॉम सप्लाई साइड. मतलब एक साइड क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब एक साइड हम लोगों को बैंकिंग के बारे में बता रहे हैं कि बैंकिंग से कितने फायदे हैं, आपको लोन मिलता है, आपका अकाउंट पैसा सेफ रहता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है. और अदर साइड क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कर रहा है कि वो सारी चीज़ें दी जा रही है, सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस. ओके, तो एक साइड से हम समझा रहे हैं कि क्यों जरूरी है, अदर साइड से हम दे रहे हैं. अब बात करते हैं कि जो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ इश्यूज हैं क्या क्या हैं. सबसे पहला जो हमारा देश का है, बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में इलिटरेट है, ह्यूज इलिटरेट पॉपुलेशन इंडिया. सेकेंड बात करें, एक बहुत बड़ा सेक्शन आज भी इंडिया में बहुत बड़ा समाज का एक जो लोग हैं फाइनेंशियली से बहुत दूर है, मतलब फाइनेंशियली जो है एक्सक्लूडेड है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज से बाहर है. तो उनको कवर करने की कोशिश जा रही है. और बात करें अ लार्ज ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, और आज इंडिया में लास्ट टू दो डिकेड और तीन डिकेड बात करें तो बहुत तेज से मिडिल क्लास ऊपर बढ़ रहे हैं और इंडिया में जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूट बढ़े हैं तो एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ा है. और इनको जो है फाइनेंशियल इनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए. और जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन देकर क्या करेंगे, इनको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाएंगे. ओके, सो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हम वन साइड क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेट कर रहे हैं, अदर साइड फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, जो मतलब सर्विसेज हम दे रहे हैं. तो बोथ जो दोनों पिलर हैं बेसिकली दे आर द ट्विन पिलर्स. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन और डॉट्स, राइट ऑन इन कॉमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.